सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं बहनें बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज इस सभा में आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ आपकी तालियों की जो गूंज मुझे सुनाई दे रही थी वह मुझे आश्वस्त कर रही थी कि आप लोगों ने कौशाम्बी जिला में और वैसे तो उत्तर प्रदेश की बहार में आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, अपना दल की सरकार, निषाद पार्टी की सरकार बनानी। मित्रों, हमसे पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने सारी बातें, चुनाव के मुद्दे आपके सामने रखे हैं। मैं उन मुद्दों को बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों की तरफ आपको जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जब हम अपना दल की बात करते हैं, जब हम निषाद पार्टी की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है, किसी को एमएलए एमपी बनाना नहीं है, सिर्फ किसी को कुर्सी पर बैठा करके अपने आप को यह समझ लेना कि हमारी जीत हो गई, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को लेकर के विचारों की पार्टी है और सत्ता में आती है तो उस विचार को साकार करने वाली पार्टी है, इसको हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा बाकी सारी पार्टियां कोई वंश में फंस जाता है, कोई जाति में फंस जाता है, कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर के चलता है, लेकिन लंबे उद्देश्य को लेकर के चलने का काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। आप याद कीजिए 1950 से आप कहते आए हैं एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दूसरे राजनीतिक दल के मन में कभी भी यह लालसा नहीं हुई कि भारत एक देश है, एक आत्मा है और एकात्मता के साथ अखंड चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह इच्छा पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि धारा 370 को आप लोगों की ताकत आने के कारण मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, इस बात को हमको समझना चाहिए। इस बात को आज हम अयोध्या, आज हम यहां त्रिवेणी में आए हैं, इस विशेष पुण्य स्थान पर आए हैं। आप लोग कितने समय से कहते थे रामलला हम आएंगे। बुलंदशहर के अनूप शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान